सत्य सुतरे समझाया करती बताया करती, लेकिन जब से आज पवन भूप का फोटो देखा है एक का जद कर एक शादी करूंगी तो पवन भूप के साथ। ऐसा चला नाकरे बहन, अगर शादी करनी है तो अपने बाप से कह के और बेबे अपनी जोड़ मिलवा ले। तीसरी कली में क्या समझाती है ये जगदीश गरग साहब के भांजे जयदेव नगूरा से 500 रुपए से पद्धी का मान सम्मान करते हैं। गरग साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। क्या कहा तीसरी कली? ये तू पढ़ी लिखी से राजकुमारी, पढ़ी लिखी से मिल जागा कोई छेल ईसा, सारी दुनिया घूम दिखा दे ले जागा कोई खेल ईसा। यार दसी बंदी नखरे होते बेशक करिए
की उम्र आराम तबित है मिले राजा का महल ईशान सुवन गांव से हमारे बहुत आदरणीय सरपंच के भांजे आदरणीय श्री भतीजा सरपंच साहब के भतीजे बैसवान गांव से आनंद कुमार जी मलिक साहब 1100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। चौथी कली में जाट महर सिंह जी ने बता दिया, क्योंकि जाट महर सिंह की कविताई की यह विशेषता होया करती और है कि चौथी कली में वो अपने जमींदारे का खेती बाड़ी का हवाला दिया करते और फौज में उन्होंने नौकरी करी, भारत मां की सेवा और रक्षा भी करी, फौज का भी हवाला दिया करते। चौथी कली में जो कह लगी अंजना बेबे शादी करवानी है, सोच समझ के फैसला करिए, ना तो देखे कोई ईसा जात टकरावेगा, जेठ का महीना तले ते तत्ता रेत और तेरे सर पर जवारा, और जब दो दो कोस खेता में लेकर जागी जवार होगी तो साट्या खाल तारी जागी। क्या बताया आखिरी कली में क्या कहा वाला।